वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। एक बार फिर से माय सेल्फ मिसेज ए पांडे, मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताए थे और आज भी मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी। आज मैं बताऊंगी आपको बौद्धकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा की क्या वैल्यूज थे और उच्च शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी। जैसे मैं देखूं पाठ्यक्रम को दो भागों में डिवाइड किया था, एक प्रारंभिक शिक्षा थी जिसको मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अब है ये उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को भी हम अगर देखें तो कई सारी ऐसी बातें थी जो उच्च शिक्षा के बारे में आती हैं। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय, बौद्ध शिक्षा जो थी उच्च शिक्षा वो भी बौद्ध मठों में ही दी जाती थी, मठों विहारों में ही उच्च शिक्षा प्रदान होती थी और उच्च शिक्षा से प्रभावित होकर हमारे कई और देश के छात्र हमारी उच्च शिक्षा यानी बौद्धकालीन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। जैसे कोरिया था, जावा था, तिब्बत था, वहाँ के छात्र बौद्धकालीन शिक्षा यानी मठों विहारों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। जो प्रवेश की आयु थी वो हमारी 12 वर्ष की थी और जो हम शिक्षा की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें तो दो भागों में डिवाइड था, एक था धार्मिक और दूसरा था लौकिक। धार्मिक यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारी शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु थे। जिसके रूप में अगर हम देखें तो यानी कि जब बौद्ध मठों में कोई भी बालक रहता था, शिक्षा प्राप्त करता था तो धर्म का प्रचार प्रसार करना, कौन सा धर्म, बौद्धकालीन यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रमुख विषय थे त्रिपिटक था, विनय धर्म था, बौद्ध धर्म था, इन विषयों का अध्ययन करना उसके लिए अत्यंत जरूरी था। दूसरा था हमारा लौकिक, लौकिक जो पाठ्यक्रम था वो सामान्य नागरिकों के लिए था और उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना जो एक आर्थिक रूप से मजबूत हो और सामाजिक रूप से भी वो व्यक्ति मजबूत हो। विषय जो थे चिकित्सा शास्त्र था, तर्क शास्त्र था, न्याय शास्त्र था, इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करना उस जो लौकिक पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत आता था। तो आज आपने सुना कि बौद्धकालीन शिक्षा जो उच्च शिक्षा थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और एक ऐसा नागरिक तैयार करना जो कि आगे चल के आर्थिक रूप से भी मजबूत हो और एक समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना स्थान पा सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अन्य शिक्षा जो स्त्री शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, उसके बारे में आपको बताऊंगी।